हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्थाज किचन। आज की रेसिपी है पनीर मसाला, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, चटपटा, टेस्टी, मसालेदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले पनीर लेंगे। पनीर को थोड़े बड़े बड़े पीसेज में कट कर लेंगे। आप यदि पीसेज छोटा रखना चाहें तो छोटा रखें। पनीर को कट करने के बाद पैन गरम करेंगे। पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गरम होने के बाद इसमें हम एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च के दाने डालकर चटका लेंगे। बेल लीफ डालेंगे। 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। फ्लेम लो रखेंगे, नहीं तो ये मसाले सूखे हुए हैं, जल जाएंगे। अब हम इसमें एक बड़ी चॉप की हुई प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज भून चुकी है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ा सा भून लेंगे, बस इसका कच्चापन खत्म होने तक। अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक भी है। इसमें सूजन को कम करने, लीवर और किडनी को सुरक्षित रखने का गुण भी मौजूद होता है। अब इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यह मिर्च तीखी नहीं होती है, इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। वैसे खाना देखने में अच्छा हो तो भूख और भी बढ़ जाती है। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 कप पानी डालकर इसे मिक्स करके पकाएंगे। जब ये सूखने लगे तो हम इसमें पीसा हुआ टमाटर डालेंगे। 1 बड़े टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है। इसे मसाले में डालकर पकाएंगे। अब ऑयल मसाले से सेपरेट होने लगा है। हम इसमें 1 टीस्पून सब्जी मसाला ऐड करेंगे और इसे स्टर करेंगे। वन टेबल स्पून दही डालेंगे और मसाले में मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसकी लिड लगाकर 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें जो पनीर हमने कट करके रखा है उसे डाल देंगे। और फिर से लिड लगा देंगे और इसे 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर पकने देंगे। 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालकर मिक्स करेंगे। अब हमारा पनीर मसाला सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।